And she's a very well-known Marathi film actress. And we look very good together also. And I'd also like to call upon Tanishtha Chatterjee, who is the... Woo! Tanishtha Chatterjee is, of course, like extremely acclaimed actress, very well known for a lot of films, awarded nationally as well as internationally. Amruta is also a national award winner. And I would like to call Chandan Roy Sanyal. Woo! Chandan Roy. क्योंकि इस माइक में आवाज नहीं आ रही. थैंक यू फॉर टेलिंग अस. तो ये हो गए. आई वुड लाइक टू कॉल समीर कोचर जी, ओनली स्टार इन द फिल्म बाय द वे, ओनली सुपरस्टार समीर जी. प्लेज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग रोल इन द फिल्म व्हिच यू ऑल विल गेट टू वॉच लेटर. ही प्लेज अ डैशिंग superstar hero of a daily soap, which is a very very popular daily soap. So you'll see him in a very different avatar. So you typecast him? Yes, from the IPL role, I felt that this is the right role. आगे हम इंतजार कर रहे हैं कि अगर आपके पास कोई सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो भी हम जवाब देते रहेंगे. उससे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगी दी एचओडी, द हेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड सिंडिकेशन एट नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, अवधेश कुमार. अवधेश जी, ये अभी से लेकर रिलीज तक हमारे मार्गदर्शक हैं. थैंक यू सो मच फॉर एवरीबॉडी कमिंग हियर. आइलैंड सिटी इज द मार्क्वी फिल्म फॉर एनएफडीसी. And this is the second film we are releasing this year. I congratulate Ruchika and the entire star cast for making such a beautiful film. And it has been a tremendous journey being part of this film, right from the script stage to the production to film festivals. And now we are releasing it theatrically in India, and we have great plans to take it forward to all the syndication platforms in digital as well as TV and other ancillary units. So congratulations everybody, and I hope we have a great show. Thank you. और अब आप वाकई सवाल पूछ सकते हैं. Can we do photos otherwise? Photograph? Group photograph? Not. Quick Q&A. बाद फिर आप one-on-one भी करेंगे क्या? अच्छा, तो ये तो honeymoon ही हो गया. हाँ रुचिका, फिल्में अगर आइडिया हैं तो इस फिल्म का आइडिया मतलब क्या क्या चीज ऐसी थी जिसने आपको इस फिल्म के आइडिया के लिए प्रेरित किया? तो ये फिल्म जो है ये थोड़ी बहुत मेरे एक्सपीरियंसेस इन बॉम्बे उससे थोड़ा बहुत इंस्पायर्ड है. लेकिन ये जो एक्सपीरियंसेस है ये थोड़े मतलब इट्स दे नॉट जस्ट लाइक सैड और ट्रैजिक एक्सपीरियंसेस, जो कि एक बिग सिटी लाइफ के जो कुछ अब्सर्डिटीज़ होते हैं, कुछ कॉमिक भी होते हैं और कुछ मतलब स्ट्रेंज एक्सपीरियंसेस, तो वो सबको थोड़ा सा डिस्टिल करके उनके अराउंड तीन कहानियाँ बनाई गई हैं. और ये एक इट्स एन एक्सपीरियंस ऑफ अर्बन लिविंग इन द सिटी, नॉट जस्ट बॉम्बे, कोई भी सिटी हो सकता है. और उसका कुछ एक एंटरटेनिंग और एक ब्लैक कॉमिक एक लुक है. विनय जी, जैसा हमने देखा कि जब भी आप इवेंट्स पे होते हैं या बाकी जगह मिलते हैं, एक बड़ा ही हल्का फुल्का आपका अप्रोच होता है. फिल्मों में एकदम उलट हो जाता है, वहाँ पे संजीदगी ज्यादा नजर आती है, तो क्या खुद को चैलेंज हमेशा करते रहते हैं? क्या है कि जो जिस संजीदगी की बात कर रहे हैं वो इवेंट में आप लोगों की तरफ से ज्यादा. सर ऑडियो ऑडियो हेलो माइक नाराज, मैं ऐसे ही बात करता हूं. नहीं 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 सर, नहीं नहीं मैं बता सकता हूं. ये माइक सर फॉर कैमरा ऑडियो, कैमरा में हेलो. हां ये ठीक हो रहा है. परफेक्ट. मैं कह रहा हूं कि जिस संजीदगी की आप बात कर रहे हैं, और अगर इवेंट में मैं कुछ उच्छृंखल हो जाता हूं या उदंड हो जाता हूं या कुछ ऐसी बातें कहता हूं ताकि आप लोगों के चेहरे पे थोड़ी मुस्कुराहट हो, वो इसलिए क्योंकि मेरे तजुर्बे में, मेरे अनुभव में ऐसा है कि छोटी फिल्मों को बेचने के लिए
छोटी फिल्मों को बहुत सारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए सिर्फ उसकी तदबीर बहुत नहीं है, काफ़ी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। ये बहुत अच्छी फिल्म है, ये जग जाहिर है। इस फिल्म के रिलीज होते ही थिएटर फेस्टिवल सर्किट में इसे कितना सराहा गया, कितना पुरस्कार मिला, ये सब जानते हैं। रुचिका जी की पहली फिल्म है और ये स्क्रिप्ट लेवल से सराही जा रही है, इसके बावजूद फिल्म रिलीज होने वाली है 2 तारीख को, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि फिल्म रिलीज होने वाली है 2 तारीख। तो मेरे आपने जिस उच्चृंखल स्वभाव का जिक्र किया उसकी वजह यही है कि मैं चाहता हूं कि आप लोग इस फिल्म को देखें, ऑफकोर्स प्रेस स्क्रीनिंग होगी, और कहीं आपका भी दायित्व तो बनता है कि अगर फिल्म अच्छी है, अगर साहित्य अच्छा है, तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। तो मेरे ऐसे खेल चलते रहेंगे, आप आगे सवाल पूछते रहिएगा, लेकिन 100 बातों की एक बात मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि आप लोगों से इतनी इल्तिजा है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है दैट प्लीज़ स्प्रेड एज मच एज यू कैन, नॉट जस्ट बिकॉज आई एम बीइंग सिली और बिकॉज I have worked with one of the finest talents of our country, and this is not an exaggeration, but because it's a wonderful film, and it's a wonderful film by somebody who is making a film for the first time, and I'm telling you, people should watch out and see what she's going to do next. Thank you very much. This was a rehearsed speech, by the way. Thank you. Rishika ji, any questions for Tanishtha? Name a term, a black comedy. Tanishtha, any questions for Tanishtha? No. ब्लैक कॉमेडी मतलब मैं ऐसा कहूँगी कि इट इज मे बी समथिंग दैट वेर यू आर लाफिंग एट समथिंग वेर यू शुड नॉट बी लाफिंग समटाइम्स यू आर लाफिंग एट इट एंड यू आर वंडरिंग कि इस चीज़ पे मुझे हंसना चाहिए क्या, इट सीम्स मे बी इवन ट्रेजिक और इट मे सीम अ लिटिल ऑड बट यू आर लाफिंग एट दैट सिचुएशन। बेसिकली पिक्चर कलर्ड है भाई, ठीक है, ऐसा मत समझिएगा कि ब्लैक एंड व्हाइट है, एकदम कलर्ड है, नई टेक्नोलॉजी के साथ बनाई गई है, डिजिटल है, आप तक पहुंचेगी जैसा आपने कभी देखा ना हो, ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर नहीं है ये, मैं सबसे कह रहा हूँ, सिर्फ भाई साहब से नहीं कह रहा हूँ, पिक्चर ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, कलर्ड है। कुछ सवाल मुझसे पूछा आपने? नहीं 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 नहीं, अरे क्या आप दसविदानिया की याद नहीं दिलाएगा, आप देखिए मैं वादा करता हूँ कि आपको कुछ और चीजों की याद दिलाएगा, आपको अपनी जिंदगी की याद दिलाएगा, आपको याद दिलाएगा आप कहाँ रहते हैं, किस परिवेश में रहते हैं, कितना फंसे हुए हैं आप ऐसी चीजों से जिसमें प्राण भी नहीं, समझ रहे हैं आप मशीनों में, अपने माइक में, अपने मोबाइल में, अपने टेलीविजन में, अपने कंप्यूटर में, आप इतने लिप्त हैं कि आपके आसपास जो जो जिंदगी है वो कैसी है उसका आभास, उसका ज्ञान नहीं है, तो उसको थोड़ा ब्लैक कॉमेडी करके हमने बताया। एनी मोर क्वेश्चंस या आप लोग बाहर वन टू वन पूछना चाहेंगे, एनीथिंग फॉर तनिष्ठ? No, actually, let's people just watch the film. I mean, I think Vinaya has spoken for all of us about what the film is about, and also Ruchika said that. So, I mean, people should just watch the film. Tanisha, just one. The audience still can't get over with the character of An Indian. So, we are talking about Island City here. I know, just coming back to that. This is the completely drastic character for you. So, how the audience gonna relate with it? I mean, as actors, we always play different characters, and the audience is going to relate to the story. We are all different characters in the story that, like Ruchika has written, which is Island City. And as Vinay said, that all the characters are sort of trapped in this whole machine-like life that हम लोग एक urban बड़ी city में जो जीते हैं, जहाँ हमारी relationship virtual world से ज़्यादा है real world से, you know, के मुताबिक like compared to the real world. So I think people will relate to that, and all the three stories have a humor, जैसे आप कह रहे कि black humor है, but it's very very funny and people would relate to that. So and as actors, yeah, we play different characters. Would you like to say something about your villainous term he mentioned? अमृता विनय
देखिए रोशनी जी आज थोड़ी बीमार चल रही है, वही तो, तो उन्होंने खबर भिजवाई है कि मैं थोड़ी देर बाद आती उन्होंने कहा कि आप सब लोगों को कम से कम दो बार इसका ट्रेलर दिखाया जाए ताकि उस पर कहानी पे रोशनी ज्यादा पड़े। जैसा कि रुचिका जी ने भी कहा, तनिष्ठा जी ने भी कहा, मैं फिर से कहूँगा कि ये तीन अलग अलग कहानियाँ हैं। और मैं पहले मजाक कर रहा था, चंदन रॉय साहब फिल्म के विलेन नहीं है, वो हीरो हैं तीसरी कहानी। तो ये लंबा चलेगा ये, तो तो हम सब ये फिल्म इन्होंने एक्टिंग नहीं की, हम जिन लोगों ने हमने एक्टिंग की है फिल्म में, वो तीन अलग अलग कहानियां हैं और तीनों कहानियों में जितने भी लोग हैं उनका अपने आसपास, अपने इर्द गिर्द, अपने परिवेश से क्या संबंध है। बोलने में बहुत थोड़ा कठिन लग रहा है लेकिन ये बहुत आसान है, आपका आपके परिवेश से क्या संबंध है, क्या सेम्बलेंस है, क्या रिलेशनशिप है, इसको बहुत ही मतलब मेड इजी, वो जो कुंजिका पढ़ते थे ना हम लोग बचपन में, शेक्सपियर मेड इजी, उसको बहुत ही कहानी में ढाल के रुचिका जी ने आप तक, अब अगर तीन कहानियों को मैं बताने लग गया तो फिर मतलब फिल्म देखने का क्या मजा। हम चाहते हैं कि आपकी उत्सुकता जो है, जो आपने पूछा, वो इतनी बढ़ जाए कि आप ना सिर्फ फिल्म देखने के लिए जाएं बल्कि आसपास के लोगों को प्रेरित करें कि ये फिल्म देखने लायक है। क्योंकि ये ट्रेलर देख के नहीं समझ में आ रहा भाई कि मतलब हीरो हीरोइन के साथ चक्कर काट रहा है कि नहीं, या विलेन किसी को मार रहा है कि नहीं, नहीं भैया आप हीरो हैं, विलेन किसी को मार रहा है कि नहीं, या हीरोइन गाना गा रही है कि नहीं। तो हम, मेरा कहने का ये भी मतलब है कि हमारी जो तमीज अभी तक रही है सिनेमा देखने की, कि सिनेमा में एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है और एक विलेन होता है और कुछ गाने होते हैं, कुछ मार धाड़ होती है, वो सही है, वो फिल्में भी सही हैं, उस फिल्मों से हमारी रोजी रोटी चलती है, लेकिन इसके अलावा भी कहानियां हैं, इसके अलावा भी फिल्में हैं, इसके अलावा भी फिल्मकार हैं, इसके अलावा भी फिल्म लिखने वाले लोग हैं। तो हम सिर्फ एक ही तरह की कहानियां क्यों देखते रहें बार बार, मेरी ये गुजारिश है आपसे। और मुझे मेरे किरदार के बारे में तो पहले हम फिल्म देखेंगे उसके बाद में नहीं, आप ट्रेलर देखें भैया इसके बाद में लिखें। फिल्म तो 2 तारीख को रिलीज होगी लेकिन सिर्फ आपके स्पेशल रिक्वेस्ट पे आपको हम पहले दिखाएंगे 30 तारीख। थोड़ा थोड़ा आप अपने करेक्टर के बारे में, नहीं ठीक है, नहीं नहीं जरूर बताएं, जरूर बताएं किरदार के बारे में। अगर अगर मुझे लगता है आपका क्या सेट है, जैसे जैसे विनय जी ने अभी कहा, जैसे विनय जी ने जी, हम फिर से आपके लिए इसको फिर से मेड इजी करते हैं, आप अपने किरदार के बारे में। जैसे विनय जी ने अभी कहा कि हम एक तरह की ही फिल्में क्यों देखना चाहते हैं, सो आमतौर पर आपने ऐसी फिल्में देखी होगी जिसमें हीरो और हीरोइन हैं और वो एक दूसरे के प्यार में हैं। मेरे किरदार के बारे में मैं इतना ही बताना चाहूंगी, एक सवाल ही आपके सामने रखूंगी, क्या आपने कभी ऐसी लव स्टोरी देखी है जिसमें लवर और जिसको प्यार है उससे वो कभी मिले ना और उनको फिर भी प्यार हो? अगर देखी नहीं है तो आप देखिए, या कैसे होता है आपको फिल्म में पता चलेगा। एक्चुअली मेरी कहानी भी यही है, सीरियसली सीरियसली हम मजाक नहीं कर रहे हैं कि हमारे अंदर एक ख्वाहिश होती है कि कोई ऐसा हो दुनिया में जो हमें समझ पाए। हर किसी के अंदर ये ख्वाहिश होती है कि कोई तो ऐसा होगा दुनिया में जो हमें समझ पाए, वो एक स्पेशल पर्सन, लेकिन हम उनसे कभी मिलते नहीं है शायद। तो ये हम तीनों की कहानी ये है कि वो बिना मिले, बिना उसको जाने, हमें उनसे कैसे प्यार हो जाता है। हाँ, और तनिष्ठा के किरदार में तो वो मिलती है नहीं मिलती है, मेरे किरदार में तो बहुत ही सरियल है, मतलब दिख रहा है फिर भी मिल नहीं रहा है, तो आप देखिए क्या होगा। और जहाँ तक मेरे किरदार की बात है भाई साहब, जब आपने छेड़े दिए हैं तार तो सुनिए ये गाना भी। यहाँ दो कहानियों के दो दंपति मौजूद है, ठीक है जी, लेकिन जो मेरी कहानी है उसमें मुझे फिर से हीरोइन नहीं दी गई है, ठीक है। प्रेम करने के लिए मेरे पास सिर्फ मशीनें हैं और अंत में एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान बॉस हैं जो मुझे प्रेरित करते रहते हैं कि जाकर जीवन का आनंद उठाएं। यू बेटर हैव फन।